नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन के डिब्बे में लगी आग। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिया बयान। मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आईपीएल 2024 में 7 मैचों के बाद इस खिलाड़ी के पास है ऑरेंज कैप। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन के डिब्बे में लगी आग। पटना से मुंबई जा रही होली स्पेशल ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। रेलवे की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि ट्रेन संख्या 01410 दानापुर से लोकमान्य तिलक जा रही थी। कारीसात स्टेशन से खुलने के बाद एक कोच में अचानक आग लग गई। रेलवे की ओर से कहा गया है कि जिस डिब्बे में आग लगी थी उसे अन्य डिब्बों से अलग कर दिया गया और उसके बाद डिब्बे में लगी आग को बुझाया गया। अलग किए गए अन्य डिब्बे को जोड़कर गंतव्य के लिए गाड़ी को रवाना कर दिया गया। इस घटना को लेकर ट्रेन का परिचालन लगभग 4 घंटे तक बाधित रहा। वहीं कई ट्रेन के रूट बदलने की भी खबर सामने आई। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भाजपा की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है और उसमें बिहार के भी नेताओं का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा निर्वाचन क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सहित 40 नेता जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा आदि का नाम शामिल है। होली की छुट्टी के बाद पटना हाई कोर्ट में कामकाज शुरू। होली की छुट्टी के बाद पटना हाई कोर्ट में कामकाज शुरू हो चुका है। वहीं इससे पहले होली के त्योहार को लेकर हाई कोर्ट बंद था। कोर्ट में सामान्य अदालती कार्य की शुरुआत की जा चुकी है। दूसरी ओर कोर्ट में पूर्व जस्टिस एन पांडे के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया और पटना हाई कोर्ट के लॉबी में ये शोक सभा 27 मार्च को दोपहर में आयोजित की गई। इसमें जस्टिस पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद हाई कोर्ट के कामकाज को स्थगित कर दिया गया है। बिहार पुलिस ने नए चैनल की शुरुआत की। बिहार पुलिस की ओर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस वाणी नाम के एक चैनल की शुरुआत हुई है और उसमें पुलिस कर्मी की ओर से दिन भर की अपडेट दी जाती है। इसे मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर से ऑपरेट किया जाता है। पुलिस वाणी चैनल के एंकर महिला और पुरुष पुलिस कर्मी ही है। वो प्रतिदिन का अपडेट लोगों को देते हैं। चैनल के जरिए बिहार पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को दी जाती है। इस दौरान संबंधित स्थानों की वीडियो और फोटोग्राफी भी लोगों को दिखाई जाती है। पुलिस ने शराब के खिलाफ की कार्रवाई। बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। होली को लेकर शराब के तस्कर चोरी छिपे जंगलों में शराब की भट्टी लगाकर अवैध रूप से देसी महुआ की चुनाई कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। सर्च अभियान चलाकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही शराब निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस की ओर से हजारों लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। जिले के चैली जंगली क्षेत्र थाना क्षेत्र सिरदला में छापेमारी करते हुए पुलिस की टीम ने शराब की 3 बड़ी भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं कई ड्रामों में रखे हुए 4200 किलोग्राम घोल को नष्ट कर दिया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब हुए पवन सिंह। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया और उसमें पवन सिंह का नाम शामिल नहीं है। वहीं प्रत्याशियों के नाम का जब ऐलान हुआ था तो उन्हें बिहार से टिकट नहीं मिला। बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को भाजपा ने टिकट दिया था। मालूम हो कि पवन सिंह की लंबी फैन फॉलोइंग है। इन्हें भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था और उसके बाद भोजपुरी स्टार ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी थी कि वो आसनसोल से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ आशीर्वाद को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। वहीं किस सीट से पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर ने बनाया प्लान। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्लान तैयार किया है। इसका मकसद है
कि हर प्रखंड में 5 साल में 5 नेत्रहात स्तर के स्कूल बनाए जा सके। प्रशांत किशोर ने कहा है कि छात्रों के घर के 10 किलोमीटर के अंदर स्कूल का निर्माण किया जाएगा और इसे सभी 30 मिनट के अंदर हर हाल में स्कूल पहुंच सकेंगे। प्रशांत किशोर ने जानकारी दी है कि 1500 करोड़ रुपए खर्च करके व्यवस्था सुधर सकती है। शिक्षा व्यवस्था पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर एकदम नीचे जा गिरा है। प्रशांत किशोर ने यह भी जानकारी दी कि हमारी सोच है कि हर साल एक प्रखंड में 5 स्कूल का निर्माण कराया जाए। टिकट कटने से नाराज अश्विनी चौबे ले सकते हैं बड़ा निर्णय। भाजपा से टिकट कटने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के नेता अश्विनी चौबे कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार वो गुरुवार को अपने पद और प्रभार को छोड़ सकते हैं। ये भी चर्चा की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और वो टिकट के कटने से नाराज है। मालूम हो कि भाजपा के नेता अश्विनी चौबे बक्सर की लोकसभा सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सांसद रह चुके हैं। साल 2014 से वो नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है। वहीं फिलहाल भाजपा की ओर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है और उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को दिया सिंबल। जमुई की लोकसभा सीट से चिराग पासवान के बहनों अरुण भारती लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। LJPR ने उनके नाम की घोषणा कर दी है और अरुण भारती का इस सीट पर RJD की प्रत्याशी अर्चना कुमारी दास के साथ मुकाबला होगा। अरुण भारती 28 मार्च को नामांकन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल करेंगे। इस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सहित पार्टी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं मालूम हो कि चिराग पासवान ने हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। NDA में सीट शेयरिंग में लोजपा रामविलास के खाते में 5 सीट आई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता ताड़ी कन्वर ने दिया बयान। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता ताड़ी कन्वर ने बयान दिया है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा है और उस पर कांग्रेस के नेता ताड़ी कन्वर ने कहा है कि इस विवाद को हम लोग बातचीत के बाद सुलझा लेंगे। गठबंधन की राजनीति में हर कोई अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका संगठन मजबूत है। वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस और RJD की अहम बैठक का आयोजन किया गया है। जीतन राम मांझी ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें जीतन राम मांझी ने लिखा है कि होली के उल्लास के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य की जानकारी ली है। उनका यही व्यवहार उन्हें महान बनाता है। इसी कारण पूरी दुनिया आज कह रही है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीतन राम मांझी गया की लोकसभा सीट से NDA के प्रत्याशी है। क्या चाचा का साथ छोड़ेंगे प्रिंस? समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी है। मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई है कि चिराग की पार्टी से प्रिंस राज को भाजपा टिकट दिलवाने की कोशिश कर सकते और प्रिंस राज को समस्तीपुर से LJPR का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। प्रिंस राज ने बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी बिहार प्रदेश आदरणीय विनोद तावड़े से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई और होली रंगोत्सव की बधाई दी। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। वरुण गांधी लोकसभा 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी टीम की ओर से उस बात की जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार वरुण गांधी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है। उनके स्थान पर भाजपा ने जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया है। मालूम हो कि वरुण गांधी साल 2004 में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें पहली बार साल 2009 में पीलीभीत से लोकसभा का टिकट दिया गया था और साल 2013 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक हुक्का बार में छापेमारी के दौरान इन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। ये पॉजिटिव निकला है। मुनव्वर के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया।
मुंबई पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि मुनव्वर फारूकी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और उसके कुछ देर बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि थका हुआ हूं और ट्रैवल कर रहा हूं। आईपीएल 2024 में 7 मैचों के बाद इस खिलाड़ी के पास है ऑरेंज कैप। आईपीएल 2024 में 7 मैचों के बाद विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। 35 साल के विराट कोहली ने 2 मैचों में 98 रन बनाए हैं। वहीं बीते दिन चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की लिस्ट में बदलाव देखने को मिला है। शिवम दुबे और रचिन रविंद्र की विस्फोटक पारियों ने ऑरेंज कैप की रेस को काफी दिलचस्प बना दिया है। मालूम हो कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। कोहली 2 दिनों में 98 रन के साथ पहले नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स के सैम करन 2 मैचों में 86 रन बनाकर दूसरे स्थान पर है। आपके अनुसार आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप जीतने की सबसे अधिक किस खिलाड़ी की संभावना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है और जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संघर्ष कुमार, संजय हरिओम, कृतिका राज, पप्पू प्रसाद, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राम, पवन सिंह, मनोज राजा कुमार, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, शशिपाल कुमार, विद्यानंद विद्यानिकेतन, खुश कुमार यादव, वेद प्रकाश सिंह, उमेश श्रीदेव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीट मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।